वर्तमान में कलर्स पर चल रहा शो पवित्र भाग्य दर्शकों को बड़ा पसंद आ रहा है, जिसमें कुणाल जयसिंह मुख्य किरदार रियांश मल्होत्रा का किरदार निभाते हुए दिख रहे हैं। इस शो में इनका किरदार एक प्यारे और समझदार लड़के का किरदार है, जिसे ये अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कुणाल जयसिंह से पहले रियांश का किरदार टीवी के कुछ अभिनेताओं का ऑफर हुआ, पर किसी न किसी वजह से इन्होंने मना कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने रियांश का किरदार ठुकरा दिया। आइए जानते कौन है। नंबर 4, ऋत्विक धनजानी। छोटे पर्दे के लोकप्रिय अभिनेता हैं ऋत्विक धनजानी, जिन्होंने कई टीवी शोज किए हैं, जिनमें इन्होंने हर तरह के किरदारों को बखूबी निभाया। फिर चाहे वो सीरियस रोल हो या कॉमेडी, सभी किरदारों को बखूबी पर्दे पर उतारा। इनकी इसी काबिलियत को देखकर इस शो के मेकर्स ने इन्हें रियांश का किरदार ऑफर कर दिया। क्योंकि अपने निजी जीवन में बिजी थे, इसलिए इन्होंने किरदार करने से मना कर दिया। ये अभी सारा टाइम अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड आशा को देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना रखी है। नंबर 3, रवि दुबे। जी टीवी के लोकप्रिय शो जमाई राजा में सिद्धार्थ का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता रवि दुबे जिस तरीके से अपने किरदार को निभाते हैं, उस तरीके से कोई भी अभिनेता किरदार नहीं निभाता। और इनकी इसी काबिलियत को देखते हुए इस शो के मेकर्स ने इन्हें इस सीरियल में रियांश का किरदार ऑफर कर दिया। पर क्योंकि अपने अदर प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे थे, इनके पास इस सीरियल में करने का टाइम ही नहीं था, तो इन्होंने किरदार को मना कर दिया। नंबर 2, कुशाल टंडन। एक हजारों में मेरी बहना है सीरियल में विराट सिंह के किरदार से प्रसिद्ध हुए अभिनेता कुशाल टंडन ने अब तक जितने भी किरदार निभाए, वो सभी एक समझदार और प्यारे लड़के का किरदार था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। और रियांश का किरदार भी बिल्कुल ऐसा ही था, इसलिए शो के मेकर्स ने इन्हें एक किरदार ऑफर किया और इन्होंने ये कहकर इस किरदार को मना कर दिया कि इस सीरियल की स्टोरी कुछ खास नहीं है। नंबर 1, नकुल मेहता। स्टार प्लस के शो इश्कबाज में शिवाय सिंह ओबरॉय का किरदार निभाकर अभिनेता नकुल मेहता ने काफी कम समय में दर्शकों के दिलों में जगह बना ली और न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने कातिलाना लुक से इस शो में लोकप्रिय हो गए। इनकी इसी काबिलियत को देखते हुए इस शो के मेकर्स ने इन्हें रियांश का किरदार ऑफर किया, पर इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगा कि ये किरदार इनके लिए नहीं बना है और दर्शक इन्हें इस किरदार में पसंद नहीं करेंगे, और इस तरह इनके हाथ से ये किरदार चला गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी में से कौन सा अभिनेता रियांश के किरदार को अच्छे से निभा पाता, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथ ही टीवी से जुड़ी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।